हेलो कॉन्फ्रेंस, नमस्ते, सत श्री अकाल, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो पे और एक और नई कंट्रोवर्सी में। नई कंट्रोवर्सी नहीं है, बट जो लास्ट कंट्रोवर्सी थी उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हम नहीं कंटिन्यू कर रहे हैं, बल्कि स्काउट एंड गेम एक्स प्रो ये दोनों मिलकर कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी देखो, लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि स्काउट ने सिर्फ इतना बोला था कि भाई मैं उसको जानता नहीं हूँ, एंड उसको जो बी लैक को उसने नेरो लैक बोला था, वहाँ पर उसने कुछ गाली नहीं दी थी, कुछ भी नहीं बोला था। सिंपल एक फन, एक मजाक में उसने एक वीडियो बनाई थी, ठीक है, मतलब मजाक में उसने कुछ बातें करी थी। एंड देखो, स्काउट के स्ट्रीम पे जो ऑडियंस आई थी, गलती पूरी ऑडियंस की है, जो ऑडियंस आई थी वो ऑडियंस बोल रही थी भाई लेजिट आया, लेजिट आया। तो ऑफकोर्स अगर मान लो मैं किसी को नहीं जानता हूँ, एंड अचानक से मुझे सब दिन बोले कि भाई मेरे स्ट्रीम पर ये बंदा आया हुआ है, तो ऑफकोर्स मतलब यही होता है कि वो बंदा बहुत अच्छा प्लेयर होगा। एंड जिस तरह से वो मरा था, ठीक है, जो स्काउट के टीममेट ने जिस तरह से बी लैक लेजेंड, जो डुप्लीकेट बी लैक लेजेंड था, उसको मारा था, तो ऑफकोर्स किसी को भी लगेगा भाई ये है बी लैक लेजेंड रियली। तो उसने बस इतना ही बोला था, उसने कुछ गाली नहीं दी थी, स्काउट ने कुछ गलत नहीं बोला था, उसने ये भी बोला था मैं नहीं जानता हूँ, हो सकता है 1v4 खेलता होगा बट मैं जानता नहीं उतना उसको, ठीक है, नॉर्मल सी बात थी, कोई बहुत बड़ा हंगामा नहीं था। एंड उसके बाद जो है ऑडियंस अगेन जो गेम एक्सप्लोरर लाइव कर रही थी वहाँ पर जाकर बोलती है कि भाई स्काउट तेरे को उल्टा सुल्टा बोल रहा था, एंड ऑडियंस ने उसको वहाँ पर क्लियरली बोला है कि भाई बी लैक को उसने नेरो लैक बोला है, बस इतना ही बोला है। वहाँ पर ऑडियंस ने ये नहीं बोला कि भाई उसको उसने तेरे को गाली दिया या फिर तेरे को कुछ उल्टा फुल्टा बोला या फिर कुछ और, उसने सिर्फ इतना बोला कि भाई स्काउट ने जो है तेरी टीम को बी लैक को नेरो लैक बोला। और उसके बाद जो है हमारे गेम एक्सप्रो जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है, उन्होंने सीधा बोल दिया स्काउट रंडी, ठीक है। तो उसके बाद सीन और अब कंटिन्यू होता है, मुझे लगा ही था कि सीन और कंटिन्यू होगा। तो कल जब स्काउट लाइव स्ट्रीम कर रहा था, कुछ लोगों ने पूछा कि भाई उसने तेरे को गाली गलौज दी है, उसके बाद स्काउट का क्या रिएक्शन था वो देख लीजिएगा, एंड उसके बाद जो है वापस गेम एक्स प्रो का क्या रिएक्शन था वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस प्लीज़ पहले हेडफोन ज़रूर पहन लेना वापस, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर जो है स्काउट तो उतनी नहीं, बट उसका जब गेम एक्स प्रो का वीडियो जब चालू होगा वहाँ पे गेम एक्स प्रो ने बहुत बहुत गरियाया है भाई स्काउट को। तो प्लीज़ पूरी वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है, एंड प्लीज़ हेडफोन ज़रूर पहन लेना। ओके सो गाइस, ये जो है ये है स्काउट का रिएक्शन या फिर रिप्लाई, वो आप एक बार देख लीजिए। अगर अपना ये कॉमेडी प्लेस को कुछ मत बोलो, है एक नेरलैक हो गया 30 स्क्वाड रश में वाला बंदा है, आ जाओ। अबे वो है बे पेंट की कंपनी है लौड़े, मैंने उसको मजाक में बोला भूफड़ी का गाली वाली दे रहा था लौड़ा स्ट्रीम करके अपने, पता है, बोलते स्काउट रंडी बोल दिया मैंने, बोला वाला बहन के लौड़े सुनो बेटा, ऐसी महा चुई जाएगी ना बेटा, वापस लौड़े काम में लग जाओगे वापस गांड मराने के, तो हल्के में ले रहा बहन के लौड़ा, उसे गांड मारेंगे अच्छे से, रुको उंगली कर रहा है उसको, पता नहीं हाथ डाल दूंगा अंदर तक, दर्द भी होगा मजा भी आएगा मेरे को भाई। नेहरू का भी मैटर चल रहा है, उसको औकात दिखा बता दे भाई, औकात औकात वाले को दिखाते हैं, गधों के रेस में घोड़े नहीं दौड़ते हैं, हम घोड़े, हम उन गधों सोलो वर्सेस स्क्वाड के रेस में नहीं दौड़ने वाले लौंडे, ठीक है, आओ घोड़ों के रेस में दौड़ो, कौन मना किया, आओ कॉम्पिटेटिव दौड़ो, कौन मना किया, सॉरी तुम्हारे पास घोड़ा ही नहीं है, मोबाइल ही नहीं, कैसे खेलोगे, तुम्हें तो आईपैड में खेलना पड़ेगा, आईपैड इज नॉट अलाउड, और आईपैड में तुम चुतते हो, शायद तक मेरे एक टीममेट ने तुमको कुछ सिंगल डिजिट में चोद दिया था, सुनने में आया था ब्रो मेरे को, और साथ एक रिकॉर्डिंग भी है, परी तो उसने बूम बाम कर दिया था TDM में, और भाई क्या बोल रहा था औकात, ब्रो देखो बात ऐसी है ना भाई, सामने मिलियो, ठीक है, ये टिकटॉक टिकटॉक में जो छमिया बन के मुजरा करते हो ना भैया, तो यहाँ नहीं चलता है, यहाँ ये उल्टा किसे बोल रहे हैं, मुंबई और दिल्ली है भैया, उल्टा करके रॉड डाल के मुंह से निकाल जाए पता भी नहीं चलेगा, अरे एक सोलो भी स्क्वाड वाला लौंडा भाई, बड़े चौड़ मार रखा है, और तू जो बोल रहा था ना ब्रो स्ट्रीम कर रहेगा, हाँ, और तू जो बोल रहा था ना कि भाई औकात नहीं है तेरी, व्यूज नहीं आ रहे ब्रो, देखो ऐसा एक बंदे ने बोला था, आज भी पछता रहा है, और तू आज बोल दिया, अब तू वेट कर ले 3 महीने बाद, उल्टा लटकाऊंगा रॉड पे और 2 मिलियन गांड में डाल के मुंह से निकालूंगा तेरे, भी बिना तेल और तेल के साथ तो बता दियो मेरे को, मैं और मुंह नहीं खराब करना मैं लौंडे के लिए, क्या ही उसको गांड किसकी मारे सी गांड ही नहीं बची है मैं पहले तो आंखें खोल लियो भाई, तू अपनी बहन तेरी आंखें नहीं खुलती पता फोटो में तेरी,
और एक तो भाई इन लोग इतना स्कैम करते हैं भाई, आईपैड पे खेल के है, स्क्रीन स्ट्रेच कर देंगे, छोटे छोटे बच्चे चूतिया बन जाते भाई मोबाइल पे खेल रहा है, लौड़े डाल ना। अबे ये चीजें जो इन्होंने अभी की है ना वो हम सीजन टू में करते थे। हाँ, और तुम तो ये रैंक सोलो स्क्वाड लवड़े, तुम अंडे में थे ना बेटा, तुम तुम्हारा बाप है ना टूर्नामेंट खेल रहा था जब तुम बैठ के हो क्या रूल्स ऑफ राइवल खेल रहे थे, तूने की है अब देख तेरे अंदर हाथ जाएगा आर पार पूरा। जोनाथन अर्नी फोर कर देता आईपैड अटैक का ब्रो, ब्रो एवरी कॉम्पिटिटिव प्लेयर इज वे अबोव, समझ रहे हो, वे 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 अबोव। अबे भाई मैं समझा ये बंदा आईपैड में क्यों खेलता है, भाई देख उसकी भी गलती नहीं है, वो आईपैड में क्यों खेलता है, आँख, अबे आँख उसकी खुलती नहीं ना भाई, तो मोबाइल पे दिखता नहीं उसको, आधी स्क्रीन दिखती है, भाई आईपैड देखना तो उसको पूरा दिखता है। ओके सो गाइस ये था स्काउट का रिप्लाई अबाउट नेरो लाइक, नो शिट मैं भी बोलने लगा, ओके अबाउट बी लैक लेजिट या फिर गेम एक्स प्रो को लेके, एंड उसके बाद जो है गेम एक्स प्रो का भी और रिप्लाई आता है, एंड प्लीज गाइस एज पर मैंने बोला कि भाई स्काउट ने अपने लाइव स्ट्रीम में अभी जो बातें करी थी उसमें उसने अब्यूज उतना नहीं करा, ठीक है ठीक ठाक ही अब्यूज करा था, लाइक नॉर्मल था, बट अब गेम एक्स प्रो का देखना वो कैसे ट्रोल करता है एंड कैसे वो अब्यूजिव वे में पूरी स्काउट का यू नो सब कुछ बोलने की कोशिश करता है। एंड गाइस आगे वीडियो देखने से पहले प्लीज 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, सब्सक्राइब करो यार, तुम लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो, क्या हमें 50 के पहुंचने का ये नहीं है, क्या बोलते उसको चांस नहीं मिलेगा, क्या हमें 50 के पहुंचने का चांस नहीं मिलेगा, प्लीज गाइस सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाना। एंड गाइस अब मैं आपको दिखाता हूं गेम एक्स प्रो ने क्या क्या बोला था स्काउट को लेकर वापस, तो प्लीज लेट सी गेम एक्स प्रो का पॉइंट ऑफ व्यू, हेडफोन इज कंपल्सरी बॉयज, ठीक है वार्निंग पहले दे दी मैंने, एक रंडी है उसकी मार चोट के जाएंगे, एक रंडी की। हेलो ब्रो क्या हाल है, पहले सब लोग को आने दो, ऐसी मार चोट दूंगा ना इसकी मैं बहन के लौड़ी, गलत बंदे से पंगा लिया इसने पता, इसकी इसके चमचों की दो चार और हैं जो इसके पक्ष में वीडियो डालते हैं उनकी भी मार चोट दूंगा मैं, दो मिनट रुको। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल गाइस बिल्कुल, अरे रुको रुको इस साल लॉकडाउन में टाइम पास कराऊंगा ना तुम्हारा, बस देखो आज ये जो रंडी है ना स्काउट रंडी इसकी मैं माँ चोदूंगा, आप देखो स्ट्रीम पे। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस कुछ चीज़ों पे बात कर लेते हैं, वी सपोर्ट गेम एक्स प्रो, थैंक यू माई भाई, थैंक यू, वी सपोर्ट गेम एक्स प्रो, स्काउट रंडी हैशटैग हो जाना चाहिए ठीक है, ये बहन के लोग जो टॉक्सिक फैलाते हैं ना, अब मैं इसकी माँ चोदता हूँ यहाँ पे ठीक है, अब तुम देखो इस बहन के लोगों ने गलत बंदे से पंगा लिया, इसके सब पॉइंट मैं आज यहीं क्लियर करूंगा ठीक है। पहला पॉइंट, बहुत सारी चीज़ों पे बात करने वाले हैं बट हेडफोन लगा लेना, बाद में ये मत बोलना कि ठीक है इतना गाली क्यों दे रहे हो हैं, हाँ हाँ स्काउट रंडी की, अरे स्काउट रंडी की एमसी करेंगे तुम देखो बस, स्काउट रंडी रांड रांड है ये रांड, समझ रहे हो ना, राखी सावंत, हु इज द राखी सावंत ऑफ कम्पिटेटिव में, मतलब राखी सावंत है कौन आप ये बताओ, बहन चोद मेरे को बोल रहा है बहन का लोड़ा है। पहले बात तो मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, पहली बात ये इसने बोला कि मैंने इसको बोला कि इसकी औकात नहीं वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें, मैंने पहले भी बोला था मैं जो चीज़ें टारगेट कर रहा था वो मैं कर रहा था फोर्किंग टट्टे को, फोर्किंग गुरु टट्टा जानते होंगे आप, डायनमो का बेटा टकला वो जो मोटा सा बैठा रहता है वहाँ पे है ना, ये सब मैं उसको बोल रहा था कि तू स्ट्रीम स्नाइप करता है बहन चो T1 में, T1 बहुत T1 करता है वो ठीक है, उसका बाप है स्काउट और स्काउट का बाप हूँ मैं, अब मैं बताता हूँ कैसे, ये सब चीज़ें मैंने उसको बोली थी कि तुम्हारी औकात नहीं है, पहले औकात बना के फिर बात करना, और आज ये बहन का लौड़ा अपनी लाइव स्ट्रीम पे क्या बोलता है, मैंने इसको ये चीज़ें बोली वाह, इसकी मैं माना चोत दी ना आज स्काउट की बहन चोत, और हाँ क्या बोल रहा था ये मेरे को बाहर मिल लेना, अरे बहन के लोड़े पंजाब से हूँ मैं, अतर चोद जहाँ कहेगा वहाँ मिलूँगा, और मुट्ठी डाल के ना गांड के अंदर बहन चोद मूत निकाल दूंगा तेरा, मिल लिए कहीं पे भी बहन के लोड़े, समझा, अब मैं कुछ चीज़ों पे बात करता हूँ, देखो हम सीधा स्टार्ट कभी नहीं किया स्टार्ट, अब देखो तुम मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं वो देश को रिप्रेजेंट करता है एटलीस्ट है इंडिया के लिए खेलता है देश को रिप्रेजेंट करता है, अरे मेरा एल रिप्रेजेंट करता है वो हाँ, जहाँ पे प्रूव करने की ज़रूरत है वहाँ पे तो ये बहन के लोग चुप जाते हैं पता, जहाँ पे हम इनसे उम्मीद लगाते हैं कि हाँ ये इंटरनेशनल लेवल पे खेलने गए हैं वहाँ पे इंडिया की टीम जीतेगी, हाँ हाँ बहुत अच्छे प्लेयर हैं इंडिया की टीम जीतेगी वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे ये नीचे से आएंगे फर्स्ट,
15 टीम रहेगी, इनकी पोजीशन होगी 8वें नंबर पे, 10वें नंबर पे, 12वें नंबर पे, यहाँ से स्टार्ट होती है, ये है इनकी औकात, पता? हैशटैग स्काउट रंडी। हाँ कोई बात नहीं ब्रो, अब देखो स्काउट रंडी की कैसे मार चुकता हूँ मैं। तो ये सीन है पता स्काउट रंडी का, वहाँ पे तो ये बहन के लोड़े चुज जाते हैं, और डोमेस्टिक लेवल पे कंट्रोवर्सी कर करके कर करके कर करके, इसकी इस माधवचोद को पता है ना कंट्रोवर्सी से क्या होता है। अब आप एक चीज़ आप नोट करना, इसके कितने लोगों के साथ कंट्रोवर्सी हुई है। एक बंदा होता है, एक नॉर्मल बंदा, उसकी कभी कभार किसी से गलती से कंट्रोवर्सी हो जाती है कुछ इधर उधर का, फिर चलो ठीक है माना 2 बार भी हो गई कंट्रोवर्सी। अरे ये बहन का लोड़ा हर 10 मिनट में एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है पता, स्काउट रंडी। पहले मैं नाम नहीं ले रहा था, अब इसकी मैं माँ चो दूंगा, वो भी नाम लेके बहन चोद की। हर 2 मिनट में इसकी कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है, कभी ये बहन चोद मोटर को गाली दे देगा, कभी ये अपने अब्बा डायनमो को गाली दे देगा। इसकी औकात क्या थी कौन जानता था इसको। इंडिया इंडिया में लोग सोचते हैं कि हाँ ये एक इंडिया का बहुत अच्छा प्लेयर है, मानता हूँ अच्छा प्लेयर है, बट वो फेम में आने के लिए क्या करा उसने, पूरी जिंदगी अच्छा खेला नहीं। एल साली रंडी, हैशटैग एंड स्काउट, हैशटैग रंडी स्पैम करो बहनचोद। मैं मेरे को समझ नहीं आता इंडिया की जो इसकी जो ऑडियंस है ना, मैं बताऊं 10% इसके सब्सक्राइबर हैं इसके स्किल्स की वजह से, 90% इसके सब्सक्राइबर्स हैं डायनमो मोर्टल GTX प्रीत, और जितने लॉन्डो के साथ इसकी कंट्रोवर्सी हुई है उनके सब्सक्राइबर गए हैं इसकी साइड। क्यों? क्योंकि ये टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है वहाँ पे। भाई ये बात तूने गलत बोली है। ठीक है मैं मानता हूँ कि वो टॉक्सिसिटी फैलाता है, मैं मानता हूँ कि वो कंट्रोवर्सी में रहता है, बट जो उसके सब्सक्राइबर्स है, उसने अगर उसको सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब इसके लिए किया है बिकॉज ऑफ उसका गेम प्ले, वो जिस तरह से गेम प्ले करता है। ही इज नोन एज इंडियाज वन ऑफ द बेस्ट असॉल्टर, वन ऑफ द इंडियाज बेस्ट प्लेयर। ठीक है एंड इसके लिए लोग उसे सब्सक्राइब करते हैं, ना कि इसके लिए बिकॉज वो कॉन्ट्रोवर्सीज में रहता है। तो ये पॉइंट मुझे तेरी गलत लगी है, तो इसको मैं काट रहा हूँ। दैट्स इट। फिर इस पे आ जाओ, अगर तुमसे नाम सही से नहीं लिया जाता तो बहनचोद नीरोला कैसे बोल दिया तूने फैंटा रेड्डी ने। ओके सो गाइस ये तो था गेम एक्सप्लोर का रिप्लाई, एंड बहुत वीडियो और लंबा हो जाएगा अगर मैं और दिखाता रहूँ तो, बिकॉज आपको पता है गेम एक्सप्लोर जब बोलना चालू करता है तो वो रुकता नहीं है। तो इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो गलती दोनों साइड की नहीं है, बिकॉज ये ऑडियंस की गलती है। स्काउट को ऑडियंस ने बोला कि भाई तुम्हारे गेम प्ले में लेजिट है, एंड लेजिट जिस तरह से मरा, डुप्लीकेट लेजिट जिस तरह से मरा, किसी को भी लगेगा भाई इतना बड़ा नाम लिया तो फिर ऐसे कैसे मर गया। तो उसने सिर्फ इतना ही बोला था, एंड नेरोलक बोला था टीम को, एंड उसके बाद जो है जो अब्यूज़ कर रहा था वो अब्यूज़ कर रहा था भाई इसने गेम एक्सप्लोरर ने। ठीक है ना कि स्काउट ने, स्काउट ने नॉर्मल बोला भी था कि भाई मैं बंदों को नहीं जानता हूँ, मैं बस अपने जो कॉम्पिटेटिव प्लेयर है मैं उसको जानता हूँ, उसने अच्छे से बात भी करी थी। लेकिन इसने रंडी बोला, एंड उसके बाद जो है स्काउट ने रिप्लाई किया, एंड उसके बाद जो है वापस इसने रिप्लाई किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरा मिसकम्युनिकेशन जो चालू हुआ है वो चालू हुआ है ऑडियंस की वजह से, बट एटलीस्ट मैं चाहूंगा कि ये कंट्रोवर्सी अब रुक जाए, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कंट्रोवर्सी और बढ़ने वाली है, रुकने वाली नहीं है। तो गाइस आपको क्या लगता है कि क्या ये कंट्रोवर्सी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी या और बढ़ेगी, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताना। एंड गाइस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बिकॉज इस चीज़ को लेकर अगर और आगे कुछ होता है तो मैं वो भी आपको अपडेट करते रहूंगा। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल गाइस एज ऑलवेज। पीस आउट।